बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल और करम से आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो नए दोस्तों के लिए मेरा नाम अकमल चौधरी, तो व्हाट्सएप नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में। कोई आपकी कीमती राय हो, कोई मैसेज हो तो आप मुझे दे सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की हमारी जो गपशप है, बेसिकली जो नए दोस्त हैं उनको मैं इस गाड़ी में बैठ के, तो टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो गपशप जब मेरा फ्री टाइम होता है, मेरे पास टाइम होता है, तो मैं गपशप आपके साथ लगा लेता हूँ। और ये बहुत सारी जो गपशप है ये आपके कमेंट से ली हुई अल्फाज और चीज़ें होती हैं, उन पे मैं ज़्यादा, लेकिन आज थोड़ा सा हट के है। वो क्या है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गुज़श्ता जो दो तीन दिन पहले एक वाक़या हुआ मरी में, तो उसके बाद मैं थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की और कुछ पढ़ रहा था, लेकिन काफ़ी काम किया मैंने उस पर, थोड़ा सा स्ट्रगल की, क्योंकि मुझे बार बार जाके देखना पड़ता था, इधर से थोड़ी सर्च लेनी, उधर से इस तरह करके, वो जो मैंने हासिल की मैं आपके सामने रखता हूँ। सेहत पे बात होगी आज। हमने अक्सर सुना है ये अल्फाज के पाकिस्तान का वो जो हिस्सा है ना, हम वीडियो देखें, फ़ोटोज़ देखें, हम कहते हैं कि ओ इट्स नॉट लुक्स लाइक पाकिस्तान, वेरी वेरी ब्यूटीफुल और सो गॉर्जियस एरियाज, ये फ़ोटो या अच्छा। हमने उनको बस इतनी हद तक एक्सप्लोर किया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, उस पर काम नहीं किया। काम क्या है, मैं आपके साथ पहले शेयर कर लूँ कुछ गिरदोनवा की सूरत हाल, फिर आपके साथ काम की जो मैं समझता हूँ होने वाला है। श्रीलंका ने तकरीबन 2018 में इन्होंने 3.5 अरब डॉलर बनाया सियाहत से, और नेपाल तकरीबन 800 मिलियन डॉलर से ऊपर तकरीबन, और उसके बाद दुबई या अरब जो अमारात है, यूनाइटेड अरब अमारात, इन्होंने तकरीबन शारजा वगैरह तकरीबन 39 अरब डॉलर इन्होंने बनाया सियाहत से। क्या है उधर, रेत ही है ना। बिल्डिंगें बनाई, होटल बनाए, हेल्थ एंड सेफ्टी बनाई, सारा कुछ चीज़ें बनाई। आखिर में हम गपशप करेंगे आखिर में उस बात पे कि जो हम नहीं कर सके या नहीं कर रहे, जो हमें करने की ज़रूरत है, इज्तमाई सोच पैदा करने की, वो मैं आखिर से आपके बात करता हूँ। लेकिन हम बात कर रहे थे कि क्या है उधर अरब अमारात में, मुझे तो कुछ नहीं नज़र आया रेत के सवा। उसके बाद जनाब आ गया आपके लबनान आ गया, इन्होंने 9 अरब डॉलर बनाया, और अज़रबैजान छोटा सा मुल्क, उन्होंने 3 अरब डॉलर। कोई चीज़ क्या है उधर, थाईलैंड ने पता नहीं उन्होंने कितने अरब, 60 अरब डॉलर बनाए, तुर्की ने 30 अरब डॉलर बनाए, ईरान हमारे साथ है, क्या है उधर, 5 अरब डॉलर बनाए हैं। ताजिकिस्तान छोटा सा मुल्क, क्या है उधर, 3 अरब डॉलर सियाहत से। थाईलैंड ने जैसे कि मैं बताया 65 अरब डॉलर सियाहत से, उनका कल्चर है कुछ संभाला हुआ है उन्होंने। और उसके बाद जो मुख्तलिफ ममालिक, फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसा कि मैंने आपके से बात की कि श्रीलंका, श्रीलंका बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, लेकिन उधर उनके कुछ रिलीजियस चीज़ें हैं, कुछ अपनी हिस्ट्री संभाली हुई है उन्होंने, वही कोई ख़ास चीज़ नहीं है, और जो है वो बहुत बड़ा पैसा उन्होंने बनाया। और हमारे पास बड़ा मुल्क हिंदुस्तान की हिसाब से, उन क्या है हिंदुस्तान, कहते हैं कि 7 बड़ा टाइम बड़ा मुल्क है पाकिस्तान से, लेकिन हर काम में हम बराबर हैं उनके। वो 30 अरब डॉलर उन्होंने बनाया, और हमने कितने बनाए 1918 में, 1 अरब से भी कम। 1 अरब डॉलर के लिए हम दुनिया में चक्कर लगा रहे होते हैं IMF का, या के दूसरे दोस्त ममालक से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, 1 अरब डॉलर नहीं बनाया, और हम कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत है पाकिस्तान। एक्सप्लोयर की ज़रूरत, काम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया में 14 बड़ी चोटियाँ हैं, बड़ी चोटियाँ पूरी दुनिया में 300 मुल्क गलबन है, हमने पढ़ा हुआ था 288 ममालक हैं दुनिया में, अब तो शायद बढ़ गए हैं, तो उनमें से 5 हैं आपके पास पाकिस्तान में,
हम नहीं वो बता सके। हमारे पास करदू की तहजीब, चित्राल की तहजीब, अड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कलाश, एक छोटी सी मिनोरिटी है वो वहाँ पर गिलगित में, उनकी एक बड़ी खूबसूरत लाइफस्टाइल है। और उसके बाद जनाब पहाड़ों पे गर्म पानियों के चश्मे हैं, हमारे पास चोटियों पे कराकरम है, हिंदू काश है, चित्राल, आबशारें, और कितनी खूबसूरत। कई बार हम, मैंने तो गया नहीं, देखी नहीं, लेकिन मैंने सर्च करके फ़ोटो वगैरह जो देखी, या पहले भी देखता था कि मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोटो दिखाई कि मेरा भाई उधर गया हुआ था, तो यकीन कीजिए कि मुझे जो पीछे सीनरी थी वो इस तरह नज़र आती थी कि जैसा कि ये हाथ से बनाई गई है, ये ओरिजिनल नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया कि ये उधर ओरिजिनल है, इतने इतना खूबसूरत और गॉर्जियस ग्रीन जो पहाड़ हैं हमारे, वो बहुत झीलें हैं, चश्मे हैं, इस तरह बलूचिस्तान आ गया, थल आ गया, थरपारकर आ गया, ये चीज़ें कितनी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक्सप्लोरेशन कैसे होगी वहाँ पर। ये काम तो आदमी, हमारे काम डिफरेंट है, हमारा काम जो है वो ये है कि जो छोटा सा टॉपिक या छोटा सा पॉइंट है हमारा, कि हमने आने वाले मेहमान को रिसीव कैसे करना है, कि कल वाला वाकया ना हो कि 300 का समोसा और 500 का चाय का कप उधर प्लान बने। जैसा कि आप जा रहे हैं उधर, तो आपको पता हो कि मुझे, मेरा जो टूर है, मेरे होटल का ख़र्चा इतना है, मेरे टैक्सी का ख़र्चा इतना है, वहाँ पे खाने का ख़र्चा इतना है, टूरिज्म जो मैं देखूँगा, चीज़ें जो मैं एक उधर से गाइडर लूँगा, गाइड मुझे करेगा, वो उसका ख़र्चा इतना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हिसाब लगाया 50,000 रुपया आप लेके जा रहे हैं, और उधर जाके आपका ख़र्चा हो जाता है 1.5 लाख, ये तो नहीं चलेगा। उसके बाद फिर ये वीडियो ये चल रही थी कि लोग बता रहे थे उसमें कि मैंने बीवी का जेवर दिया, वो होटल वाले जो थे, वो कार्ड जो एटीएम, वो भी ज़रूर होनी चाहिए उसमें, यानी कि उधर एटीएम की सहूलत नहीं है, ये सहूलतें उन्हों। फिर दुनिया से, दुनिया में तकरीबन जो है वो 1,40,000,000,000 जो स्याह हैं वो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे घूमते हैं एक साल में। ये यूनाइटेड स्टेट की जो रिसर्च है उनके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। तो हम उनमें से कितने खींच सकते हैं, या अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करके कितने हम बता सकते हैं कि हमारे पास भी ये चीज़ें हैं, ये हम इन पे काम करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि रोड वगैरह, ऐसी चीज़ें, सहूलतें, होटल अच्छे, बुकिंग उनकी ऑनलाइन हो, तब जाके ऐसी चीज़ें बनती हैं। इस पे बहुत ज़्यादा काम करनी चाहिए। तो आवाम का काम तो है, हमारा भी कुछ रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन बहुत सारे काम तो हुकूमत के करने हैं ना। अल्लाह करे कि वो इन पे अमल करें और कर लें, लेकिन हमारे यहाँ जो भी हमें मिला वो अल्लाह का लाल ही मिला। पता नहीं वो क्या कहते हैं कि जैसी कौम वैसे ही उसके हुक्मरान होते हैं। तो ये चीज़ें तो मेरे जहन में आ रही थी सियाद के मतलब, ये चीज़ें अगर हो जाएं, जितना हम कहते हैं खूबसूरत है या चीज़ें हैं, या वो जो हमारे पास झीलें, चश्मे वगैरह सब कुछ हैं, इतनी इतनी खूबसूरत चीज़ है कि अंदाज़ा नहीं। तो सेफ्टी हो, ये ना हो कि उधर कोई जा के लुट जाए, ये ना हो। तहफ़ हो, कोई ये ना महसूस करे कि हम किधर जा रहे हैं, पता नहीं उधर क्या होगा, ये ऐसी चीज़ें ना हो तो फिर जाके, हाँ, ये इज्तमाही सोच हम बना लें। मैं आपको पहले भी बताया कि 1 अरब के लिए हम पूरी दुनिया में घूम रहे होते हैं कि 1 अरब डॉलर दे दो, कोई नहीं देता। अमेरिका दुनिया में एक साल में तकरीबन 2 अरब बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करता है। चाइना आपके मुल्क में कितने सालों में 46 अरब डॉलर जो वह कह रहा है मैं इन्वेस्ट करूँगा, और उधर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैंने बताया कि टूरिज़्म में लोगों ने, मुल्कों ने कितना कितना, इससे डबल 46 मिलियन बिलियन डॉलर से डबल बना लिया एक साल में टूरिज़्म से। तो ये इस मजमूई तौर पे हम काम करें इस पे, या सारी कौम इस पे अपनी ज़िम्मेदारी, सेफ्टी जो आ रहा है उसको वेलकम किए, उसको लूटा ना जाए, तो फिर मेरा ख्याल नहीं है कि कोई भी चीज़ पाकिस्तान की तरक्की को रोक सकती थी। ये मेरे जो ना वो मैं कलेक्शन कर रहा था इकट्ठी, मैं आपके साथ सामने रखता हूँ। पता नहीं 20 लाख में, क्योंकि मैं तो ना तो कोई साफ़ी हूँ, ना कोई इस तरह का हूँ,
लेकिन लर्न करने का या अखबार का या ख़बरों का थोड़ा शौक़ है, तो उससे ऐसी चीज़ें कलेक्शन इकट्ठी करके आपके सामने रखती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए। क्या इसमें अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा वीलॉग होगा वो सिर्फ इसी प्लानिंग पे होगा कि किस तरह हम तो गाड़ी में कपड़े और बच्चे बिठाए और मरी के लिए निकल पड़े, ये तो नहीं, प्लान तो चाहिए। नाज़रीन अपना और अपने गिरदोनवा में बहुत सा ख्याल रखिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे एंजॉय कीजिए अच्छे तरीके से। अल्लाह हाफ़िज़।